स्वागत है। और हमने देखा है कि अभी हाल ही में अभी दो घटनाएं बहुत प्रमुखता के साथ हुई। एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पे हमला हुआ, और उससे बड़ी बड़ी घटना जो हम कह सकते हैं कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो एक बहुत बड़े जो इस्लामी स्कॉलर है, उलमा इकराम में शुमार होता है और तमाम मजहब के लोग बड़े एहतराम की निगाह से उनको देखते हैं। यहाँ दो अहम बात यह है कि आपके कायद पर हमला होता है तो पूरी एमआईएम तलमला जाती है, आप रास्तों पे आ जाते हैं और इतनी बड़ी इस्लामी शख्सियत पे भी कहने के उसको उनके ऊपर गिरफ्तारी अमल में आती है और आपकी पार्टी तरफ से जैसा एक रवैया होना चाहिए वो हो नहीं पाता, इसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला होना और साथ ही साथ इस देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बेहतरीन छवि रखने वाले हमारे इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी अमल में आना, ये दोनों ऐसे वाक़यात है कि दोनों वाक़यात लोकतंत्र को जमहूरियत को कमज़ोर करने वाले वाक़यात हैं। एक तरफ उन कट्टरपंथी ताकतों के ज़रिए, उन आतंकवादियों के ज़रिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला करवाना, दूसरी तरफ कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर कि वो बैरून मुल्क से फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, तो ये जो है तो सनकीपन की निशानी है। ये कहीं ना कहीं एक सनक है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने वाले की सनक हम समझते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों ही वाक़यात की निंदा करती है, मजम्मत करती है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए औरंगाबाद शहर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर और उनकी क़यादत में इन दोनों वाक़यात की मजम्मत के लिए परसों यानी 24 सितंबर को दोपहर में 2 बजे बाद नमाज जुमा डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने हम एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन लेने जा रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की जानिब से एक निवेदन ज़रूर दिया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि ये दोनों वाक़यात सिर्फ निवेदन से इसका काम नहीं हल हो पाएगा। हम समझते हैं कि इसके लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये जो सोने का नाटक कर रही हैं योगी और मोदी सरकार, ये जागेंगे। इनको ये समझना चाहिए कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश की दो ऐसी शख्सियात हैं जो देश में अमन व अमान के पैगाम को आम करने के लिए गली गली कूचा कूचा घूमते हैं, लोगों के दरमियान जाते हैं, इंसानियत भाईचारा और अमन की बात करते हैं, जिससे ये दोनों मजबूत नहीं होते बल्कि इससे ये देश मजबूत होता है, यहाँ का लोकतंत्र मजबूत होता है। लिहाजा आज निवेदन के बाद एक जन आंदोलन के तौर पर, एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर और उनकी क़यादत में इंशाल्लाह जुमे के दिन दोपहर में 2 बजे एक धरना प्रदर्शन डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने लिया जाएगा। मेरी तमाम शहरियाने औरंगाबाद से दरख्वास्त है कि वो इस धरने आंदोलन में बड़ी तादाद में शिरकत होकर अपने मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दे। ये एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो धरना आंदोलन लिया जा रहा है ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की तरफ से या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मानने वालों की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। मेरी उन तमाम सियासी, समाजी, मिल्ली, ख़ासतौर से मिल्ली तमाम जमातों से दरख्वास्त है कि वो भी साथ आए, साथ मिलकर हम अपने कायदीन पर होने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह फ़िरका परस्तों के हौसले टूटेंगे, उन्हें ये एहसास होगा कि ये जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाली कौम नहीं है। मेरी तमाम मिल्ली तंजीमों से और ख़ास तौर से मोहतरम तमाम उलमाए कराम से मौदबाना दरख्वास्त है कि आप आइए, इस हमारे साथ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए ताकि एक मजबूत आवाज़ हम औरंगाबाद से लेकर दिल्ली तक पहुँचा पाए और अपने मकसद में कामयाब हो कि कल खुदा न खास्ता अगर योगी सरकार किसी और के ख़िलाफ़ इस किस्म के बेजा और गैर कानूनी इकदाम करने की कोशिश कर रही है तो वो इससे पहले 10 बार सोचें। सर, हम देखते हैं कि असद नवी साहब का जो तो हमारे मुल्क के उलमा इकराम से काफ़ी अच्छे रवाबित हैं और पसल्ला बोर्ड के आप मेंबर में से हैं, काफ़ी मीटिंगों में आते जाते हैं और हम देखा है, हमने अपने UP इलेक्शन में देख रहे हैं कि उलमा इकराम से काफ़ी मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि योगी हुकूमत को उनकी खौफ होकर भाई मुसलमानों का जो धर्म गुरु रहते हैं, मुसलमान बड़े उसको बहुत मानता है तो उनके ऊपर हमला करेंगे तो कहने को डराने में हम कामयाब हो जाएंगे, तो कहीं सियासत का हिस्सा तो नहीं इनकी गिरफ्तारी? देखिए, ये जरा सरासर ये कोशिश है पूरे मुल्क के मुसलमानों को, पूरे मुल्क के अमन पसंद शहरियों को योगी हुकूमत की तरफ से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे खिलाफ़ बोलना बंद करें।
लेकिन वो शायद ये भूल गए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जद्दोजहद का दूसरा नाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जितना दबाने की कोशिश की जाएंगी, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ उतनी बुलंद होती जाएगी, इसलिए कि वो इस देश को, यहाँ की मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं और इस देश को मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मेरी तमाम शायरियान से बिला लिहाज मज़हब, धर्म, मसलक तमाम से दरख्वास्त है कि जुमे के दिन दोपहर में 2 बजे से तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचे। हम एक बड़ा शानदार धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि सोए हुए प्रशासन को हम जगा सकें और इस मुल्क में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठा सके और अपनी आवाज़ गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचा सके। शुक्रिया। थैंक यू सर।